बच्चों आज हम क्लास यूकेजी में इंग्लिश में स्मॉल लेटर्स लिखेंगे। आप सभी ने अपनी इंग्लिश की कॉपी निकाली होगी। सभी बच्चे मेरे साथ साथ लिखिए। सबसे पहले यहाँ हम क्लास वर्क डालेंगे। मैं डाल रही हूँ, मेरे साथ साथ आप भी लिखो। पहले के बनाओ और बिंदी लगाओ इस तरह से, और आगे फिर से डब्ल्यू लिखिए और फिर से बिंदी लगाइए। लिख लिया सबने क्लास वर्क? अब यहां से लिखना शुरू करेंगे। सब बच्चे मेरे साथ साथ बोल बोल के लिखो। बीच की दो लाइन में लिखिए कैट, इस तरह से घुमाते हुए ऐसे बनाओ कैट। क्या लिखा है आपने, पढ़ो इसको। कैट क्या लिखा हमने, ये कैट। अब अगली लाइन में लिखेंगे फिर से, बीच की दो लाइन में लिखिए इस तरह से कैट। धीरे धीरे जमा जमा के लिखेंगे सुंदर सुंदर कैट। क्या लिखा है हमने, कैट। अब देखिए यहाँ नहीं लिखेंगे, आप वापस वन नंबर लाइन के ऊपर में लिखेंगे। क्या लिखा था हमने, उसी के आगे यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ के, और यहाँ पर लिखिए सभी ए। देखो इधर सबसे पहले कैसे लिखेंगे, पहले हम कै बनाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे और नीचे लगके इसकी पूंछ निकालेंगे इस तरह से। लिखिए ए, बोल बोल के लिखो सभी ए। अब इसके नीचे यहाँ लिखेंगे फिर से, पहले क्या बनाओ, इसको ऊपर ले जाओ, नीचे लगके पूंछ निकालो इसकी, ये बन गया ए। क्या पढ़ेंगे इसको हम, ए। आगे लिखेंगे, अब देखो ये है लिखा ना, उसी के पास में यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ो और यहाँ लिखो डे। डे ऊपर की थ्री लाइन में आएगा है ना, ए बीच की दो लाइन में आया तो डे ऊपर की थ्री लाइन में आएगा। पहले हम क्या बनाएंगे, इसको पूरा ऊपर तक, ऊपर लाइन लाल लाइन है ना, वहां पर ले जाएंगे और नीचे लाके इसकी फिर से पूंछ निकालेंगे ऐसे। लिखिए डे, क्या लिखा है हमने, डे। इसी के नीचे लिखेंगे फिर से, लिखने के बाद पढ़ो इसको डे। डे फॉर डॉग होता है, तो फॉर डॉग हम नहीं बोलेंगे, सिर्फ डे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डे। एक बार और लिखिए इस तरह से डे, लिख लिया। अब इसी के आगे लिखेंगे एह। कैसे लिखेंगे देखो, अब एह बीच की दो लाइन में बनेगा, ये बीच की दो लाइन है, इसमें पहले के बनाओ इस तरह से, और ये जो ऊपर हमने घुमाया ना, इसको पूरा घुमाते हुए यहाँ गोला बनाते हैं, ये बन गया एह। क्या पढ़ेंगे इसको हम, एह। इसी के नीचे फिर से लिखिए, पहले क्या बनाओ और यहां से गोला बना दो इस तरह से एह। क्या लिखा है हमने, एह। अब इसी के आगे लिखेंगे हम बे। बे कैसे बनाएंगे, बे ऊपर की थ्री लाइन में बनेगा, ये 1 2 3। पहले इसे तो सीधा वन बनाओ, पेंसिल को उठानी नहीं है, यहीं से इसको वापस ऊपर ले जाते हुए ऐसे गोला बना दो, ये बन गया बे। बनाइए सभी बे, क्या लिखा है हमने, बे। इसी के नीचे फिर से लिखेंगे हम इस तरह से बे, क्या है ये, बे। लिख लिया सभी ने, पढ़िए इसको उंगली रखो सब बच्चे, बोलो कै ए डे बे। वापस अगली लाइन में उंगली रखिए, कै ए डे। अगली लाइन यहां से लिखेंगे फिर से, सब बच्चे इधर देखिए, यहां से लिखेंगे। अब लिखिए फे। फे कैसे बनाएंगे, पहले सीधा वन बनाया, बनाओ अब इसको यहां से ना ऐसे घुमाओ ऐसे, ये गोलाई दे दो इसको यहां से ऐसे, और ये जो बीच की लाइन, ये वाली लाइन है ना, 1 2 3 लाइन में लिखा हुआ, 3 लाइन में जो बीच की लाइन है, ये 2 नंबर वाली है, इसको ऐसे यहां से काट दो, ये बन गया फे। क्या लिखा हमने, फे। पढ़िए इसको फे, फे
फिर से देखिए इसी के नीचे लिखेंगे हम, पहले से ही डबल बनाया इसको, अब यहां से ऐसे गोले दे दो इसको, ऐसे गोला बनाओ छोटा सा और यहां से इसको काटो बीच में से, ये बन गया फे। सब बच्चे बनाइए फे। एक बार और लिखेंगे हम, फिर से देखिए सीधा बन बनाया ऊपर की डिजाइन में, यहां से इसको ऐसे घुमाएंगे और बीच में से इसको ऐसे काटेंगे, ऐसे बन गया फे। क्या पढ़ेंगे इसको हम, फे। अब देखिए ये फे लिखा ना, उसी के आगे हम यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ती, यहाँ लिखेंगे ए के नीचे, ठीक है, फिर लिखेंगे हम गे। अब देखिए इधर सभी बच्चे, गे नीचे की थ्री लाइन में बनेगा, 1 2 3, जो नीचे की थ्री लाइन है ना इनमें बनेगा, ऊपर से नहीं। कैसे शुरू करेंगे हम, पहले बीच की दो लाइन में सब बच्चे क्या बनाओ, सब बच्चे मेरे साथ साथ लिखो, पहले क्या बनाओ, इस तरह से सुंदर सुंदर बना लिया। अब इसको ऊपर ले जाओ पूरा, यहाँ तक पेंसिल को उठानी नहीं है, उसके बाद फिर से इसको नीचे लाएंगे, कहाँ तक लाएंगे, पूरी नीचे 4 नंबर की लाइन तक, है ना, ले आए। अब इसको यूं घुमाते हुए ऐसे घुमाकर और इसे पीछे की तरफ मोड़ दो, क्या बन गया ये, गैप, क्या है ये, गैप, लिख लिया सभी ने। अब इसी के नीचे हम फिर से लिखेंगे बीच की दो लाइन में, पहले क्या बनाइए इसको ऊपर ले जाओ यहीं तक, पूरा ऊपर मत ले जाना, मतलब डे बनता है जब ले जाते हैं, यहीं तक ले जाएंगे इसको, फिर नीचे पूरा लाना है और यहां से ऐसे मोड़ दे, बन गया गे, क्या है ये, गे। वापस लिखिए एक बार, पहले क्या बनाइए बीच की दो लाइन में, उसको ऊपर ले जाइए, पूरा नीचे वाली लाइन तक लाएंगे, लाल लाइन तक, और ऐसे इस तरह से क्या बन गया, गे। इसको क्या पढ़ेंगे हम, फे। इसको क्या पढ़ेंगे, गे। अब हम लिखेंगे है, ये लिखा उसी के आगे हम थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे है। सब बच्चे पहले मुझे देखो, ऊपर ऊपर की थ्री लाइन में लिखेंगे हम, है ना, ये ऊपर की थ्री लाइन में पहले 1 बनाया, पेंसिल को उठाएंगे नहीं और यहीं से इसको ऊपर ले जाते हुए 2 नंबर की लाइन तक लाके और ऐसे घुमाते हुए ऐसे नीचे लेके आएंगे, बन गया है। देखिए सभी बच्चे ऊपर की थ्री लाइन में है, सब बच्चे इधर देखिए, मैं इधर वापस बता रही हूँ एक बार, सब बच्चे देखो है कैसे बनाएंगे, सीधी लाइन खींचेंगे, पेंसिल को उठानी नहीं है और यहीं से ऊपर ले जाके इसको ऐसे है बनाएंगे, कोई भी बच्चा ऐसे नहीं बनाएगा, लाइन खींची और ये यू, इस तरह से नहीं बनाएंगे, सबसे पहले लाइन खींचेंगे इसको यहीं से घुमाते हुए ऐसे बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे सभी बच्चे, लिख लिया सभी ने। अब इसी के नीचे हम फिर से लिखेंगे सीधी लाइन की, जो इसको यहीं से ऊपर लाओ 2 नंबर की लाइन तक और ऐसे घुमाते हुए गोला बना दो, ये बन गया है। लिखो सभी बच्चे है, बोल के लिखिए और जिसने लिख लिया वो उंगली रख के पढ़ो इसको, इस तरह से है, लिख लिया सभी ने। अब इसी के आगे लिखेंगे हम फिर से इस तरह से है, क्या पढ़ेंगे इसको हम, है। अब है के बाद में देखिए यहाँ पर हम थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे और इसी के आगे लिखेंगे हम ई। ई कैसे लिखेंगे, बीच की दो लाइन में पहले छोटा सा वन टाइप बना दो, वन बनाया बीच की दो लाइन में, अब ये जो लाइन खींची ना हमने, वन बनाया ना ये, उसी के ऊपर यहाँ पे बिंदी लगाओ, ये बन गया ई। क्या पढ़ेंगे इसको, ई। अब यहाँ फिर से बनाइए, ई बीच की दो लाइन में बनता है, ये बीच की दो लाइन में पहले आपने 1 बनाया और यहाँ पे बिंदी लगाओ, ये बन गया ई। क्या पढ़ेंगे इसको हम, ई। एक बार और बनाइए, यहाँ पे बीच की दो लाइन में फिर से लाइन खींचो और बिंदी लगाओ इसी के ऊपर ई, देखो इस तरह से, यहाँ बिंदी लगानी, यहाँ मत लगा देना, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यही लगाएंगे बिंदी जस्ट इस लाइन के ऊपर, क्या लिखा हमने, पढ़िए इसको ई। वापस आगे लिखिए, ये ई लिखा ना उसी के आगे हम थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखेंगे जय। जब और जब होता है ना,
तो हम फौ जग नहीं बोलेंगे, सिर्फ जय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जय। यहाँ लिखिए जय किसमें लिखते हैं? नीचे की त्री लाइन में। जैसे ये जय बनाया ना हमने नीचे की त्री लाइन में, वैसे जय भी नीचे की त्री लाइन में बनेगा। ऊपर से शुरू नहीं करेंगे, टू नंबर की लाइन से शुरू करेंगे, नीचे से बनता है जय। कैसे बनाएंगे देखो, यहाँ से हमने शुरू करा सीधी लाइन खींची नीचे वाली लाइन तक, और यहाँ से इसको यू घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाएंगे, और ये जो लाइन खींची ना हमने इसी के ऊपर यहाँ पे बिंदी लगाएंगे। जैसे ई में बिंदी लगाई, वैसे जय में बिंदी लगाओ। बनाइए सभी जय। जय फॉर जग होता है ना, तो फॉर जग हम नहीं बोलेंगे, सिर्फ जय बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? जय। फिर से देखिए, इसी के नीचे बनाएंगे, यहाँ से शुरू हम नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे, नीचे की त्री लाइन में जय बनता है। सीधी लाइन खींच के नीचे लाइन को ला के इसको यू मोड़ दो ऐसे, और यहाँ बिंदी लगाओ जय। क्या पढ़ेंगे इसको? सब बच्चे बोलिए जय। वापस देखिए, इसी के नीचे फिर से लिखेंगे हम इस तरह से जय। सब बच्चे बनाओ फिर से यहाँ पे नीचे की थ्री लाइन में जय। अब हम इनको पढ़ेंगे, पेंसिल से साइड में रखो और कै के नीचे उंगली रखो। सब बच्चे मेरे पीछे पीछे बोलिए कै ए डे एह बे। नई लाइन में उंगली रखिए, बोलो कै ए डे एह बे। वापस नई लाइन में उंगली रखो, फे के नीचे बोलिए फे गे है ई जे। अगली लाइन में उंगली रखो सभी बच्चे, फे के नीचे फे गे है ई जे। फिर से बोलिए फे गे है ई जे। ठीक है, और जो नीचे आपके आधा पेपर खाली है वहां पर होमवर्क करना है। होमवर्क भी क्या लिखोगे आप? ये वाली लाइन लिखनी है, फे वाली है ना, फे गे है ई जे। इसी तरह से जैसे अभी लिखा ना हमने, बिल्कुल उसी तरह से बोल बोल के लिखेंगे, और सारा लिखने के बाद उसको फिर से हम पढ़ेंगे। ठीक है ना?